परमात्मा की वाणी गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था, इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे, इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10-15-20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा क्या है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका का याद भी ना होगा, बच्चन पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे और वो ऐसे लंबी डंडी और उसके नीचे पलड़े लटका करते, और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये कदे तेरी पलड़ी में तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही, तो वैसे दिखाता था। जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती तो एक तरफ जिधर जो सा ज़्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही दो मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा उससे फिर गेहूँ गद्दा गद्द तोल्या करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासिंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए, वो इतनी है, वो एक तरफ रखी, उसका उस सौदे में कोई लेन देन नहीं है जो सौदा हो रहा है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, तीन सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, ईरा ना देखा हो, वो इतना कोता है 200 ग्राम का मुश्किल तय, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कति नहीं माने, है कि ना, ये पत्थर है 9 करोड़ का, आकर 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए पैसे की, नहीं हो सकता। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नो कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरण है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की ज्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्सांकेतिक, इन दोनों का सिमरण होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप को मनमाना यो नाम किसी से पता लग जाए, रब पर जाप करने लग जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरण इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो, एक सारा दिन मान ले न्यू करा राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपण का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा।
मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है? जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोडवर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताजा करते हैं। सत का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में, बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो इसका वास्तविक उद्देश्य ये होता है कि हम सत्साहे बोलते हैं, आप भी कहते हो भाई सचमुच आपके हृदय में न्यू आवे अक सत्साहेब, तो दूसरा भी भक्त बोलेगा सत्साहेब। भाव ये होना चाहिए कि ये सब जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं ये तो हम फंस गए या मजबूरी है, लेकिन सच्चा तो भगवान ही और उसकी भक्ति ही है, ये मूल उद्देश्य सच्चा काम तो यही है, ताकि फिर वो भक्ति याद रहे उसके। जैसे राम राम बोला करते थे, राम का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और उसकी साधना जैसी भी उन ऋषि महर्षि बताया करते थे, वो ओम नाम देते थे और कहते थे कि कोड वर्ड बोलना, ओम 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 नहीं कहना किसी को, ओम ओम दूसरा भी फिर बोल भाई ओम ओम नहीं। इससे क्या होता है कि फिर तुम अनधिकारी होने के कारण उस मंत्र को दूसरे को बोल देते हो तो आप उसके गुरु हो गए, आप अधिकारी हैं नहीं, वो दोषी हो गया, आप भी दोषी हो गए। तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे कि राम राम बोला करो। जैसे सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से तो उनसे कहते हैं, कहते जैसे अब हम सत्साहेब बोलते हैं, पहले हम राम राम बोला करते हैं, तो सामने वाला भी कहता था राम राम। अब ना तो उस राम का बेरा ना उस नाम का पता, हूँ राम राम जरूर कहते थे। अब ऋषि जी ओम नाम देते थे लेकिन इसको गुप्त रखने को कहते थे कि तुम किसी को बताना नहीं है ये मंत्र, क्योंकि यदि शिष्य किसी शिष्य को ये नाम बताता है तो वो स्वयं भी दोषी हो जाता है, और कोई व्यक्ति उसके कहने से उसका जाप शुरू कर देता है तो वो भी दोषी हो जाता है। जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनाता है, लाइसेंस बनाता है, तो दोनों दोषी हैं, वो अधिकारी नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा करते थे और कहते थे राम राम। राम राम का अर्थ है कि भाई भगवान गुरुदेव ने जो नाम दिया है, परमात्मा की भक्ति करते रहना, कहीं काम के में कार्य के अंदर संसारी काम में भूल ना लग जावे। तो चलते चलते कोई राम राम कहता था उसको याद आती थी, ये संकेत करते थे कि तुमने ये नहीं कहना कि ओम नाम जप ले, गुरु जी ने बता रखा है, कदे भूल लग जा नहीं। वो यूँ बताया करते ऋषि जिन कि तुम एक दूसरे से भगवान की भक्ति याद दिलाते रहना, यहाँ भूल बहुत शीघ्र पड़ती है, तो कहीं तुम आपस में मिलो तो बोलना राम राम, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि भक्ति ना भगवान का वो नाम जाप कर ले, कदे भूल पड़ गई हो। जैसे आप खेतों में जा रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं और अन्य किसी काम वश सफ़र कर रहे थे, पहले तो सफ़र पैदल करते थे, तो रस्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता और उसका भूल पड़ जाती थी कोई इधर उधर के विचारों में, सामने वाला कहा करता राम राम भाई राम राम, फिर वो कहता था राम 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 राम, ओहो कहता मैं भूल गया था भाई अब, तो वो मन मन आध घंटे तक फिर स्मरण होता रहा उसका, फिर भूल सी पड़े इतने कोई फिर टकरा जा राम राम कहने वाला। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो मंत्र याद रहते थे, वो जब भक्ति करते रहते थे। लेकिन कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, सत्य नाम में मंत्र दोई। ओए होए राम नाम जप कर थर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे, उसको राम नाम जप कर थर होई और सत्य नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के दो अक्षर का ये राम नाम है, और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही।
तो ये इनकम्प्लीट था। और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहता था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कहीं न कहीं ओम एक घंटे में कहूँ ओम कहूँ, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो एक 10 लाख बार मौखिक जाप करे और एक बार श्वास वो श्वास से जो दास बताएगा, वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे, और हमारे भगवान का आदेश है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है, तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है, इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी, उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सतभक्ति सतनाम सच्चे नाम सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है? हमारा राम का नाम है ये तीन मंत्र का, ओम तत् सत, ओम ब्रह्म की मजदूरी और तत् सांकेतिक है ये अक्षर पुरुष की मजदूरी, और सत जो सार नाम है ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, अपने आत्माओं साधना और पूजा में बहुत अंतर होता है। साधना तो एक समझो एक मजदूरी है, और पूजा जो है ये हृदय से उसकी चाह है, उसके अंदर एक अपनी समर्पणता है। तो इस प्रकार हमने पूजा तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, और अन्य भगवानों के जो साधना आपको दी है ये भी करनी है, क्योंकि इन किरण से मुक्त होकर ही हम सतलोक जाएंगे। जब हम सतलोक से आए थे हम बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, हमारे साथ राम नाम का धन बहुत गना था। उस धन को इसने बर्बाद कहाँ करवाया इस ठग ने, ब्रह्म लोक में वो बना दिया स्वर्गलोक महास्वर्ग लोक, और हमको वहाँ रखा सारे ठाठ बाठ, खूब बढ़िया फल झरने बह रहे हैं, हीरे पन्ने जो ना वो पहाड़ बना रखे हैं हीरे जैसे पत्थरों के, सुंदर सुंदर सारा दिन। तो वहाँ क्या करता रहा, फिर इसने जब हमारे हो लिए ना वहाँ 10,000 वर्ष एक लाख वर्ष, तब इसने हमारा अकाउंट बताना शुरू किया कि तुम्हारे इतने पैसे कट गए। इब हम जावा कि तो भाई कट गए तो कट गए, यानी हमारे पुण्य इतने अक्षीण हो गए। फिर डिटेल आने लगी कंप्यूटर पे, डिजिटल बोर्ड पे, आप जी की इतनी
कुंजी समाप्त, आपके इतने चार्जेज यहाँ के, और जब वो वहाँ से इसने हमें लूट लिया फिर इस पृथ्वी पर पटक दिया और काहिब अपने पाप भोगो, वहाँ पर जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाओगे, यहाँ का विधान है। और परमेश्वर कबीर देव जी का विधान है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसके पापों का नाश कर दूंगा और सत साधना भी वो बताऊंगा जो जिससे आप शीघ्र धनी हो जाओगे। तो इसलिए परमात्मा सतलोक से गमन करके आए थे, वहाँ से गति करके आए थे हमें ये तत्व ज्ञान बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकाएंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है, किसी की आँख में डाला आँख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा है कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे, ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या मिला? इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल पाछे, फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही सारी उम्र तंग पाई, इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही एक जंगल में, टाइम पास किया 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें बस, फिर इनको डाल दें इसमें 84 लाख योनि। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूल जाता तो जीव कहाया, उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है तभी तुम सतलोक जा सकता हो, जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की राम नाम की भक्ति उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होय होय। तो पुण्यात्मा आप कितनी पूंजी लेकर आए थे हिसाब ला लेना, और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे, तो हम कितने धनी थे अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्परम को तत्परम को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो फिर संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो तो यहाँ से जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे से डर के सतलोक जाना चाहता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति विधि बताई है कि मेरी यदि भक्ति करेगा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाम गति। मेरी साधना मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम मंत्र है बस, एक ओम मंत्र, और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करना है, जब तक शरीर छूटे तब तक करना है। और परमात्मा भी कहते हैं राम नाम रटते रहो, कबीर परमेश्वर जी भी यही कह रहे हैं कि यही विधि है, यही विधान है, चाहे ब्रह्म की भक्ति करो चाहे परम अक्षर ब्रह्म की करो, विधान एक जैसा ही है। अब जैसे खिलाड़ी बच्चा है चाहे जिला स्तर पर खेल है, नियम वही होंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर खेलता है तो नियम वही रहेंगे,
ये जो हठ योग, घर त्याग के जंगल में बैठ जाना, खड़ा होकर तप करना, उल्टा पैर करके करना, ऊपर न पैर नीचे न सिर, या कहीं झरनों में बैठ जाना और धोने लगा कर तप करना, ये बकवाद थी सारी। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्बे समर कर्तुम समर, के ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सेवन करो, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम का सेवन करो। वायु अनिलम यानी आपका जो प्राण है जीव है ये इतनी अमृता प्राप्त कर लेगा जो ओम नाम से होती है, और इसका बसमांतम शरीरम शरीर अंत होने तक इसका सेवन करना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो, कौन सा नाम, ये तीन मंत्र का, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण यानी आखिरी सांस तक, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है, जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय फल ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सहस्रनामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के, हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना उसकी उसके प्राप्ति का ये तीन मंत्र के जाप का सिमरण का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग इसमें अग्रम मग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी तीन प्रकार से त्रिविध है इसका सिमरण होता है। तत् और सत्य सांकेतिक हैं और इनका तीन ही तरीके से सिमरण होता है। जिनको सारनाम प्राप्त है अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके, ओम ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर ब्रह्म का है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत् भी सांकेतिक, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है एक पूजा है, तो दो मंत्र का ये सतनाम है ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है ये पूजा है। इसका तीन प्रकार से सिमरण होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि आठवें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है तो मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत तीन मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा
तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे, इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे, और वो कमाई हमने गणी करनी पड़ेगी क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था। ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी। ब्रह्मलोक में जाके इसने फिर ठगना था हमारे को, हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पर, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहाँ भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहाँ के सारे ठाठ, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसके जेब में अच्छी मोटी हो, और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज, और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग जाता है कि जेब में 500 रुपये रह गए किराया खिसक ले यहाँ से, तो वो सारी अपनी जेब कटवा के यानी उस होटल में बर्बाद करके वापस आ जाता है। ऐसे ये स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, इस काल ने हमें धोखे में डाला हुआ है। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, ऐसा विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया, अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी या खत्म हो जाएगी। आपको आपने किसी के हाथ पे सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था, अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ, न उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किसी ने आशीर्वाद दो थे ना, अगले का कुछ लाभ होना ना आपका हानि होनी थी, वो तो न्यों का न्यों थे, पैरेलल थे आप तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप ला कर उसका टायर में डाल दिया, ना वो चालन दोगा रहा ना आपका रहा, यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो हवा भरो, सिमरन करो। तो ऐसे आप जी ने अपनी भक्ति को बचा के रखना, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो, अब वो ही जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है, धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जाए, मेरा गर्भ ना गिर जाए। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उदड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है, जैसे माता गर्भ को रख है यतन बनाए, और ठेस लगे तो क्षण हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नशाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। और जैसी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहेगा। अब परमात्मा ने एक हमें ज्ञान दिया है, यदि हम गलत कार्य करेंगे उसका फल हमारा गलत होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे,
और यदि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब यहाँ का विधान है प्रभु का कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, तो हम कर्म ही क्यों ना चेंज कर ले, हम उन कर्मों में ही परिवर्तन करेंगे। जैसे हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम हमने भोगना पड़ेगा, वो सितम जुल्म हमने भोगने पड़ेंगे। तो हम अपने कर्मों में ही प्रयत्न करें, परिवर्तन करें और फिर सत प्रयत्न करें, फिर देखें। तो क्या बताते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मंझारे, राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मंझारे, सेतु बंधा जब से ना उतरी वो चढ़ गए पदम अठारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बिलंका रे तोड़ी वो महारावण से मारे, लंका तोड़ी बिलंका रे तोड़ी महारावण से मारे, दस मस्तक रावण के काटे विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पर लाद पैज परवान करी है धर नर सिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है धर नर सिंह अवतारे, दीन दयाल दया कर उतरे एरना कुस उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते वो तोलत हैं बलबारे, हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलबारे, गज और गरहा बने भव सागर दस सेंस अधिकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो तब जद खेच लियो मजधारे, श्वास घटो बलहीन भयो जद खेच लियो मजधारे, अर्ध नाम रसना से टेरा वो सुमरत है निरंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे,
नारद मुनि तेर काली ही योगी जिन मन गर्भ किया रे पल में पूत बहतर जाए ये रोवत केस उपाड़े मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे अम्बरीश कह चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे अंधे को कॉपी न दी थी वो बड़गे अंत अपारे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे महाभारत में टटीरी के रखे वह घंटा टूट पड़ा रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। भाई 33 कोट यज्ञ में आए व सेंस 88 सारे 33 करोड़ जग में आए व सेंस 88 सारे द्वादश कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े व विपर पंडित सब हारे चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। मीरा बाई को मारण लागे जहर का प्याला प्यारे मीरा बाई को मारण लागे जहर का प्याला प्यारे पीवत ही अमृत हो लाग्या वो हो गया सरद ही रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे। भाई कंस के सी चानोर खपावन वो जीतन मल अखाड़े कंस के सी चानोर खपावन जीतन मल अखाड़े कृष्ण को तो जस दिया है ये कबीर न कारज सारे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे मन तू पाव गय अपना किया रे भोग गय अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण
करें खवासी धन तू सृजन हारे, ये शंखों कृष्ण करें गुलामी धन तू सृजन हारे, दास गरीब करे को सर्वर ऐसा शीश हमारे, मन तू पाव गए अपना कियारे, भोगे गए अपना कियारे, मन तू पाव गए अपना कियारे, भोगे गए अपना कियारे। पुण्यात्मा परमात्मा, जैसे अभी आपको दास ने बताया कि जिस कार्य को आप स्वयं अपने आप कर रहे थे और सभी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है और हर तरह से उनका बचाव की याचना भी करता है भगवानों से, जब तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारा जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, ये दूर में लठ कितने दिन लग गया रहे, ये तुक्का कितने दिन लगा रहे, कोई आपत्ति ना आवे घर पे, और जिस दिन आवेगी उस दिन आपके पास प्रोटेक्शन कोई नहीं। जैसे ये बसंत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो जिनकी बसंत ऋतु चल रही है यानी जिसके पुनों का दौर चल रहा है, उनके पुण्य अच्छे हैं, पुनों का जब तक उन प्रभाव है तो उन पर आपत्ति नहीं आवेगी। तो जिस कारण से वे कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, जैसे किसी व्यक्ति ने न तो सर्दी की व्यवस्था कर रखी, को सर्दी के कपड़े रजाई बनवा रखी, और ना कोई गर्मी से बचने के लिए, ओलों से वर्षा से बचने के लिए कोई छान झोंपड़ी कोई कुटिया मकान बना रखा हो, और वो बाहर आराम से रह रहा है किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी, वैसे तो ये सोच रहा हो कि मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं आवेगी, जब तक वो बसंत ऋतु है तब तक उसने कोई आवश्यकता नहीं सर्दी के कपड़े की, और जब आवेगी कड़ाके की सर्दी उसकी गांठ बांध देगा सर्दी, और नमूनिया होगा, ब्रानमट्टी होगा, मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हमारे जिन पुण्य हैं तब तक तो हम प्रवाह नहीं करते कि हमने रजाई की आवश्यकता है, हमें चाहिए कोई प्रोटेक्शन, और जब ये सर्दी आवेगी, कर्मों की सर्दी जब आवेगी जिन पर ये पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर उसको पता चलेगा प्रोटेक्शन ना करने वाला, फिर नमूनिया होकर मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हम सत साधना नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो हमारे ना परिवार का प्रोटेक्शन ना अपना प्रोटेक्शन। और जब हम इस पर कबीर परमेश्वर की सत साधना करेंगे, पूर्ण संत से लेकर के सच्चे मन से मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे, तो आपको सुरक्षा कवच मिल गया, फिर आपका जीने का उद्देश्य ही कुछ भिन्न होगा। अपने आत्माओं, अब आपको जो ये कुछ उदाहरण दिए हैं शब्द के माध्यम से परमात्मा ने, उनमें यही बताने की चेष्टा की है कि जब तक आप जी अपने स्तर पर प्रयत्न करते हो वो सीमित है, और फिर भी जब एक व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से हार लेता है, थक लेता है, फिर वो परमात्मा की ही खोज करता है, उसको मालूम होता है कि भगवान हमें सुख देता है। जैसे एक हा हा हू हू नाम के दो तपस्वी थे। अब ये क्या करते थे, अब तप से क्या होता है, राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। हा हा हू हू में इस बात पर बात ठनगी, हा हा कहता है मेरा तप ज्यादा है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है, हू हू कहता है कि नहीं मेरा तप ज्यादा है, मेरी शक्ति ज्यादा है। अपने बल का कौन शक्तिशाली है, किसकी तपस्या की शक्ति ज्यादा है, निर्णय कराने के लिए ये इंद्र के पास गए।
ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तपस्वी आदमी, ये तो सर्प हैं, जय एक को नो कह दिया इसका तप ज़्यादा है तो दूसरा डंक मारेगा, श्राप दे देगा तेरे को, क्यों पंगे बपा दिया। उनसे कह दिया भाई देखो, मैं तो अपना ये जो बहुत सा कार्य मेरे जिम्मे है इसमें व्यस्त रहता हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई ज्ञान है, आप इंद्र के पास जाओ, इंद्र तप से ही बनता है। अब इंद्र के पास गए दोनों, इंद्र से यही प्रार्थना की कि हम बताओ हमारे में कौन सा का तप ज़्यादा है। इंद्र कई वह बात याद आ गई, जय मैंने एक को कह दिया दूसरा फिर देगा श्राप, ये तो त्यार खड़े हैं फन फनाए। उसने भी कह दिया आप भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही कुछ समाधान बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं। अब विष्णु जी के पास गए, यही प्रश्न रखा, यह बात विष्णु जी के मन में आई, एक को कह दिया दूसरा त्यार खड़ा है तो तुरंत डंक मारेगा, श्राप देगा, क्योंकि वो पहले नारद के श्राप से दुखी हो रहे थे। तो उसने कहा देखो भाई, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, भगवान शिव जी तप ज़्यादा करते हैं, वही बता सकते हैं। उन्होंने शिव जी की तरफ दिखा दी वह बीमारी। अब फिर शिव जी के पास आए, शिव ने कहा, शिव से ये प्रार्थना की, तो ये बात शिव जी के ध्यान में आई। शिव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मैं तो मेरा तो हो गया मेडिटेशन ध्यान का समय, इतना समय मेरे पास है नहीं, आप यूं करो मतंग ऋषि के पास जाओ मृतलोक में, मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि बहुत डील डॉल थे, बड़े तगड़े अच्छे मोटे भारे कति तगड़े थे, बहुत बड़े अच्छे पेटू से, और वो बैठे थे अपना एक आसन लगाए कुटिया के बाहर, नो पूरे दड़ंग थे। अब दूर से देखा उन दोनों ने, हा हा हू हू ने, एक के मन में आ गया कि बड़ा हाथी सा पड़ा है भाई, महात्मा दे हाथी सा बैठा है। अब दूसरे के मन में आए मगरमच्छ बैठा है भाई, तो मगरमच्छ सा पड़ा है। अब मन की बड़ी बकवाद, बड़ी गंदी सोच है इसकी, तो कहते हैं महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा गुरुओं के बारे में मन में दोष भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों के मन में दोष आ गया। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है इन तपस्वियों के पास जो सामने वाले के मन में के बकवाद है क्या सोच रहा है वो बता देता है, तो वो मतंग ऋषि के पास वह सिद्धि थी। हा हा हू हू ने जाकर कहा कि महाराज जी हमारा फैसला करो, मैं कहता हूँ मेरी तपस्या ज़्यादा है, यू कहता है मेरी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला तो कर लाए भाई, और स्वयं करो अपना फैसला, तो तूने क्या सोचा था मेरे बारे में, बड़ा हाथी सा पड़ा है जा तू हाथी का जन्म ले, और तूने क्या कहा था मगरमच्छ जैसा है जा तू मगरमच्छ बन जा। अब उन दोनों का शरीर उड़े छूट गया, दोनों मर गए, एक हाथी बन गया के जन्म लिया, एक ने मगरमच्छ का जन्म हो गया। अब कहते पिछले तप से होते हैं ये सारे अड़ंगे, जो पिछले संस्कारों से ही आपके, जो दास आपको बताना चाह रहा था कि आपके यहाँ, कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवादूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंत में सब बारा बाटा। कहने का भाव ये नहीं है कि माता पिता ये कोई हमारे नाते, इनको भूल जाओ इनको छोड़ दो, ये नहीं कहने का भाव ये है, इस गहराई को समझाना चाहते हैं परमात्मा कि आज ठीक है आप पुत्र हो, आपका पिता है माता है भाई बहन पत्नी है बच्चे हैं, आपकी अब मृत्यु हो जावे, मृत्यु होकर आपका जन्म मनमाने नाइजीरिया में हो जा, उड़क खाओ कच्चा मांस और बोलो बिरा निके एंड बेंड बोलनी भी ना हो भाषा थे, तो आपका यू परिवार हुआ कैसे, आपका कहाँ से है ये, तो यहाँ संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं, और हमारे संस्कार है नाइजीरिया मान ले तो वहाँ जन्म होगा, तो यहाँ क्या बताते हैं पिछले ही संस्कार जो उन्होंने किया था उसी आधार से एक मगरमच्छ बन गया एक हाथी।
अब जब वो दोनों युवा हो लिए, उनके वो आया फिर अपना तपस्या अजमाने का समय, हाथी पानी पीन गया था दरिया पे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ दरिया में खींचे, हाथी उसने आधा सारा बार खींच लिया वे, कभी वो हाथी को खींच ले जा, कभी हाथी उसने बार, ऐसे कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये ऐसे अपना वो खेचातानी करते रहे। शाम के समय छोड़ दें वो अपना चारा चरिया, सुबह आते फिर हाथी पैर पकड़वा देख ले, पकड़े हम देखूँ, और मगरमच्छ उसने फिर घसीटे, वो उसने घसीटे। तो फिर क्या हुआ कि उसके हाथी के जो आसपास साथी थे उसके, वो क्या करते थे, आसपास से वो केले के वृक्ष तोड़ तोड़ के लाया करते, उस हाथी ने छकाया करते, फिर अकचाली तो लड़ उसके ला कर कुश्ती। अब क्या हुआ कि आसपास के सभी वो, ये 10,000 वर्ष थोड़े हुए, सारा जंगल खाली हो गया, खा गया उन्हें। अब हाथी के पास उसके साथी थे, वो चले गए, कुछ मर गए, भूखा रहने लगा, उसको पूरा आहार भी नहीं मिल रहा था, वो कमज़ोर हो गया, बलहीन हो गया। अब मगरमच्छ का तो वहाँ सारी व्यवस्था थी, नरी मछलियाँ पैदा हुए और खाओ खूब डट गए। तो उसने क्या किया, हाथी को खींचना शुरू किया जल में, खींचते खींचते एक यानी एक मिलीमीटर जब उसका समझो सूंड बार रह गया, सूंड, अब हाथी का श्वास सूंड में के माध्यम से आता है, हाथी सारा चला गया और सूंड का समझो जल में जाती है, वो डूब मर जाना था उसने। तो उस समय हाथी ने परमात्मा याद किया, आधा ही कहना पाया था, राम पूरा भी नहीं बोला था, यानी कसक के साथ बोला, राम रोम तो तक ही आना था, वो अंदर की पुकार करी थी वह रा, तो वो हृदय की जो पुकार है वो आत्मा का साथी कौन है, आत्मा का आधार कबीर परमेश्वर है। अब वो परमात्मा ने उस सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो मगरमच्छ के मस्तक पर जा लग गया, और मस्तक पर लगते उसका मुंह ढीला हो गया, हाथी का पैर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल सी देर मैं करूँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा बहुत अधिक है, और इसलिए परमात्मा चाहते थे कि इनमें आस्था बनी रहे, ये किससे ने भी जाप करें, लेकिन इनको मिल रहा है प्रारब्ध ही, और दे रहा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही, परम अक्षर ब्रह्म ही, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, तीन पुरुष, एक सर्वपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, और एक अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ये सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ति अवे ईश्वर है, कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है, जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको कर्माधार से भी वही दे रहा है। या भूल ईब मिटेगी, हम जो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही क्रेडिट दिया करते थे, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परमात्मा ये चाहते थे कि कलयुग तक जो ये पीक टाइम भक्ति का आना था, ये अब चल रहा है, इस तक ये भक्ति की आस्था, परमात्मा की सती थी, परमात्मा की महिमा इन भक्तों के श्रद्धालुओं के हृदय में जची रहे, ताकि ये भगवान को ढूंढते रहे। और फिर इस समय के लिए परमात्मा ये सब कार्य करते आ रहे थे, वो महिमा के भूखे नहीं है, तो जो विष्णु जी का पुजारी था उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, और आके कहा चल भैया थी छोड़ शरीर, तेरे को स्वर्ग ले भेज देता हूँ।
तो उसने मगरमच्छ ने कहा, प्रभु हम लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, या तो 148-149 दोनों पर लाग रही थी, आप इसको मोक्ष क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं भेज रहे। तो भगवान ने परीक्षार्थ कहा, भी इसने तो याद किया, भगवान ने बोला जी यू याद करे था और मेरी भी आस्था उस समय भगवान में थी, जैसे जब इसने कसक के साथ भगवान याद कराया, पर मैं अभिमानवश छोड़ नहीं पा रहा था, आपकी याद मुझे भी इतनी आ रही थी। कहने का भाव ये है कि जो कसक के साथ जो ज्ञान सुनाता है और उतने ही लगन के साथ श्रोता सुनता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, चल दोनों तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूँ, लेकिन ये पंगा फिर मत पाइयो, अभिमान मत कराया करो, जिसकी जितनी भक्ति अपना प्रयोग कर तुमने के पहलवान पकड़ना था यहाँ पर, अंडे के धक्के खांदे के दुर्गति करवा ली तुमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास जो आपको बताना चाह रहा था वहीं घुमा कर लाया है कि जैसे इन पहला तो अपना अंग आजमाया, मैं शक्तिशाली मनु खींच ले जाऊंगा और वो नुकम उसने डबो का मार दूंगा, आखिर में इन्होंने भी मालिक का या को याद किया, और जब इनका फैसला हुआ। तो आपको दास यही संदेश देना चाहता है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनना चाहते हो कभी नहीं बन सकते, और ये संस्कारों का फैसला भी नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करो, ब्रह्म माटी करवा के उस सगन याद करने पड़ेंगे, पहले क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार आप भक्ति करो, आपका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की।